तो हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल निखिल में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ आपके स्मार्टफोन्स के बारे में। क्योंकि गाइज, जैसे कि आप लोग पता होगा कि हमारी इंडिया की टेक्नोलॉजी काफ़ी तेजी से ग्रो हो चुकी है। पहले के मोबाइल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो पहले के जो मोबाइल होते थे उसके अंदर ना तो आपको कोई फिंगरप्रिंट देखने को मिलता था, ना आपको कोई डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता, ना फेस लॉक, आपको ऐसे फीचर्स नहीं मिलते थे। पहले के मोबाइल में आप लोगों को जो सिंपली पैटर्न वाला मिलता, पैटर्न आप लोग डालते थे, अनलॉक हो जाता। अगर मैं आपको बताऊँ ऐसा ही एक मोबाइल, तो आप लोग जैसे कि मेरे हाथ में देख रहे हो, इसके अंदर आप लोग यहाँ पीछे देखिए, ध्यान से देखिए, पीछे भी कोई मोबाइल इस यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं दे रखा है, ना ही डिस्प्ले पे। इसके अंदर जो साइड में आपको एक बटन मिलता है, उस बटन को जैसे आप लोग प्रेस करते हो तो आपका ये फोन जो ओपन हो जाता है। इसको आप लोग जैसे अप करोगे तो यहाँ पे आपको जो है पैटर्न डालना होता है, तो आप कुछ भी पैटर्न डाल सकते हो। तो गाइस, ये था पहले के फोन्स। अब हम बात कर लें अभी के फोन्स की, तो गाइस आपको पता होगा कि अभी जो है यहाँ पे डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, बैक साइड वाले फिंगरप्रिंट आते हैं। तो अगर मैं आपको बैक साइड वाला दिखाऊं तो ज्यादातर आपको रेडमी के मोबाइल में या एमआई के मोबाइल में मिलते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग दिख रहे हैं, ये है एमआई के मोबाइल है जिसका नाम ये है रेडमी नोट 4। इसके अंदर आपको देखिए पीछे की तरफ यहाँ पे फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली ये फिंगरप्रिंट मैंने लगाया, ये अनलॉक हो जाता है। तो गाइज, ये था अभी की टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप लोगों को जो है पीछे के टाइम में फिंगरप्रिंट मिलता है। और हम लोग बात कर ले डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की, तो आपको मैं डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हो, यहाँ पे ये मोबाइल है जिसके अंदर आप ये देखिए ध्यान से, एक डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है जिसपे जैसे मैं ये प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक रेज निकलेगी, मतलब कि लाइट, आपका मोबाइल अनलॉक। तो ये गाइस जो है अभी की टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर मैंने आपको तीनों मोबाइल बताए, पहले वाला बताया जिसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलता है ऐसा फिंगरप्रिंट, एक बैक साइड वाला बताया, और एक मैं आपको बताया यहाँ पर ये डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। तो गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काम कैसे करता है? तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अगर आप लोग यूज करते हो तो आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काम कैसे करती है। तो वही आज के वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो है काफी अलग अलग मोबाइल हैं जिनमें आपको ऐसा फिंगरप्रिंट मिलता है जिसपे आप उंगली लगाएंगे आपका मोबाइल अनलॉक हो। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे यूज में है, आप लोग इसे कैसे यूज करते हो, कैसे ये काम करता है, कैसे आप लोग फिंगर लगाते हैं आपका मोबाइल अनलॉक होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, आप लोग जैसे अपनी फिंगर को यहाँ पे टच करते हो, जैसे कि आप लोग देखा मैंने यहाँ से टच करते ही, तो आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने इस मोबाइल के अंदर यहाँ से टच किया, लाइट जली थी। जैसे कि आप लोगों को मैं फिर से दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो है ये लाइट जलती है। लाइट जलने से क्या होता है, आपके जो फिंगरप्रिंट होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये देखिए यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट होता है आपका, आपके जो अंगूठे का या फिंगर का जो भी हो सकता है, उसका जो फिंगरप्रिंट होता है वो वहाँ पे क्या होता है, वो लाइट आती है, वो लाइट आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करती है। स्कैन करने के बाद वो वहाँ पे मैचिंग करती है आपके डाटा से, जो मतलब कि जो आपके मोबाइल का डाटा वगैरह होता है उसे बैकग्राउंड प्रोसेसिंग जो है आपका मैच होता है। अगर मैच हो जाता है तो आपका अनलॉक हो जाता है। अगर आपका फोन या किसी और के मोबाइल में आप करोगे तो वहाँ पे आपका एक्सेस नहीं होगा और वो चीज जो है यहाँ पे मैच नहीं होगी, इसी वजह से आपका मोबाइल जो अनलॉक नहीं हो पाएगा। और ये कुछ ऐसा कारण रहता है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आपका मोबाइल अनलॉक हो पाता है। क्योंकि क्या होता है गाइस, जैसे कि आपको मैं बताऊं तो इस मोबाइल के अंदर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे जो है डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के पीछे जो होता है यहाँ पर अंदर की तरफ क्या होता है, एक कैमरा लगा रहता है जो कि आपके वो जो फिंगरप्रिंट होता है उसको कैप्चर कर लेता है, और इसी वजह से आपका मोबाइल जो है सिंपली अनलॉक हो जाता है। और हम लोग बात कर लें अभी के एडवांस मोबाइल्स की, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये तो था सिंपली एक यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर। अभी जो है अल्ट्रासोनिक वाला आ चुका है, अल्ट्रासोनिक आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, अल्ट्रासोनिक भी काफी अमेजिंग फीचर होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो मोबाइल का फिंगरप्रिंट होता है इसके अंदर आपको जो है क्या होता है, इसमें तो आपकी फोटो कैप्चर होती है, फिंगरप्रिंट का जो कैप्चर होता है फिर अनलॉक होता है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर धोखा हो सकता है, आपका मोबाइल या तो या किसी भी फोटो वगैरह से जो है अनलॉक हो जाता है। काफी टाइम पे मतलब होता है ऐसा, इसके जी क्या होता है, ये कभी कभी काम नहीं करता है, कभी कभी काम ही नहीं करता ये, और इस चीज में आपका खतरा भी होता है। बट मैं आपको बताऊं अल्ट्रासोनिक का, तो अल्ट्रासोनिक काफी बेस्ट है। अल्ट्रासोनिक जो है आप लोग यूज कर सकते हो। अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, आप लोग जैसे अपने ये फिंगरप्रिंट लगाओगे तो उसके अंदर एक वेव होती है जिससे आपका मोबाइल अनलॉक होता है, और ये काफी अमेजिंग फीचर है। अगर आपको इससे ज्यादा रिलेटेड में जानना है, इससे ज्यादा डिटेल में समझना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है इसके आप लोग टॉपिक पे बता सकते हैं। आप लोग अगर जानना चाहते हो तो आप लोग नीचे लिखिए।
और गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक करो, चैनल पे पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आप लोग कमेंट करना न भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों को जो ऐसे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। और अल्ट्रासोनिक अगर आप लोग जानना चाहते हैं अल्ट्रासोनिक डिवाइस के बारे में, कैसे अनलॉक होता है, क्या होता है, इसके फीचर्स के बारे में, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो है डिटेल में समझाया कि कैसे फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको शेयर किया है। तो गाइस आज की छोटी वीडियो बस इतना ही, अब मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।